अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेमिसाल जायका। चलिए आज बनाते हैं मुंबई का फेमस वड़ा पाव। वड़ा पाव तो इतनी टेस्टी रेसिपी है कि बस नाम ही सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और बरसात अगर हो और वड़ा पाव बनाओ तो उसका जायका कुछ अलग ही आता है। और साथ ही हम आपको इस वड़े पाव की जो लाल वाली चटनी होती है वो भी बताएंगे। तो अगर आपको मुंबई का वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए बनाते हैं चटपटे मुंबई के वड़ा पाव। तो वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम वड़ा पाव का जो बैटर होता है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी हमने बेसन ली है और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। इसकी वजह से हमारा जो वड़ा पाव होगा वो ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, इसलिए हमने इसमें चावल का आटा डाला है। अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नमक लिया है तो नमक भी आप यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम होगा वो हम ऐड कर देंगे। और इसे अब हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। तो ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है हमको, और इसका थिक बैटर बनाना है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर होना चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए हमारे बैटर में। हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा एक स्मूथली बैटर बना लेना है। ये देखिए इस तरीके का, तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच गरम तेल। तो तेल डालने से ये बैटर जो है हमारा, जब हम बड़ा पाव इसमें कवर करके पकाएंगे तो ये ऊपर की लेयर जो होगी वो बहुत ही क्रिस्पी रहेगी। ठंडा होने के बाद भी हमारे बड़े पाव में थोड़ा क्रिस्पीपन रहेगा, तो इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, आप जिस भी तेल से बनाएं वो तेल आप इसमें ऐड कर दें। तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें तेल ऐड किया है, और तेल डालने के बाद इसे अच्छे से हम फेंट देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ये फ्लफी हो जाए बस। अब इसे हम कवर कर देंगे, ये फेंट चुका है अच्छे से, और इसे हम छोड़ देंगे एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 4 आलू लिए हैं, तो उबाल लिया था हमने पहले से, जिसे हमने छील लिया है। इसको अब हम मैश कर लेंगे, तो चाहे आप मैशर से मैश करें या हाथों से, तो हमें खूब अच्छे से इसे मैश कर लेना है इस तरीके का। अब चलिए आ जाते हैं अपने फ्राई पैन की तरफ। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाले हैं, ये देखिए। तेल को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे पहले, तो तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ये राई ली है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम में ही दोनों चीज़ों को हम पकाएंगे। तो पहले हमने राई और ज़ीरे को डाला है और इसे चटकने दिया है। अब यहाँ पर राई ज़ीरा अच्छे से चटक गया है, ये देखिए। तो अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे, और ये 2 चुटकी के करीब होगा, यानी 1/2 टीस्पून से भी कम होगी हल्दी, तो ये भी ऐड कर देंगे। और इसे भी 1 मिनट तक हम सॉटे करेंगे कि हींग और हल्दी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखी है, अगर हम हाई करेंगे तो ये सारे मसाले जल जाएंगे। तो ज़ीरा और राई और हींग अच्छे से पक चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये अदरक चॉप की हुई। तो हमने एक छोटा सी 1/2 इंच का अदरक था जिसे हमने बारीक चॉप किया है, आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इसी दौरान हम ये 4 हरी मिर्च है जिसे हमने बारीक चॉप किया है ये ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 कड़ी पत्ते, उसे भी हमने कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे मीडियम आंच में, तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 मिनट ही हमें पकाना है। ये देखिए हमें मिर्च का और किसी मसाले का कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ एक खुशबू आने तक इन्हें पकाना है। अब इसके बाद हम आलू ऐड कर देंगे, और आलू को 1 मिनट तक अच्छे से हम खूब मसाले के साथ पका लेंगे,
ताकि ये सारे मसाले और ये सारी चीज़ें इसमें आपस में मिक्स हो जाएं और फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून और इसे 1 मिनट और पका लेंगे। तो चम्मच चलाते हुए हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और हमारी वड़ा पाव की फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो बस इतना ही हमें इसे भूनना है। अब इसमें हम कट करके हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने 1 मिनट इसे फ्राई कर लिया है। अब एक मुट्ठी हरा धनिया हमने इसमें धोकर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से और बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम वड़े का शेप देंगे इसमें। तो अब इसे एक साइड में कर देते हैं और चलिए चटनी की तैयारी करते हैं, जो वड़ा पाव में अंदर डालकर चटनी खाई जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब एक छन्नी ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम मूंगफली यानी सेंग। तो ये 1 मुट्ठी सेंग है यानी कप से देखेंगे तो आधा कप। इसको हम छन्नी में डालकर इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। हल्का सा इसमें सुनहरापन आ जाए बस हमें इतना ही पकाना है। हमें ऐसे छन्नी को डुबो डुबो कर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर दाने अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें इन दानों को ऐड कर देंगे। तो देखिए इतना कलर हमारा मूंगफली के दाने का चेंज होना चाहिए। अब इसी छन्नी में हमने 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं जिसे हमने छीला नहीं, तो इन्हें भी इसी तरीके से डुबो डुबो कर हमें फ्राई कर लेना है और बग़ैर छीले ही इन्हें डालना है ताकि हमारी चटनी में थोड़ा सौंधापन आ जाए। अगर आपको छिलके नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दें यानी छिलके को निकाल दें लहसुन से। तो यहाँ पर हमारे लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे भी हम उसी मिक्सर के जार में ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में हम इसमें डालेंगे बेसन का बैटर। तो हमें दूर दूर करके डालना है पतली धार बनाकर, ताकि सेव की तरह एक बेसन का ये बैटर पककर रेडी हो जाए। और इस बेसन के बैटर को हमें सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमने इन्हें अच्छे से पका लिया है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और उसी कटोरी में इन्हें भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये 2 टीस्पून लाल मिर्च है, तो लाल मिर्च हमने 2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाली है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप तीखी भी बना सकती हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें मिर्च। यहाँ पर 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और इसे बंद कर देंगे और इसको पीस लेंगे। अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब चलिए ये बैटर में आ जाते हैं अपने वड़ा पाव बनाने के लिए। तो 1 चुटकी हमने बेकिंग सोडा डाला है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे और हमने वड़ा का शेप भी दे दिया है इस तरीके से गोल कल करके। हमें पहले बोल बना लेना है, फिर उसे हथेली में रख के इस तरीके से वड़ा का शेप देंगे। तो आप चाहे गोल वड़ा बनाएं या कबाब का शेप देकर बनाएं। कबाब का शेप अगर आप देकर बनाएंगे तो पाव में भरने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमें कोट कर लेना है और बस इसे मीडियम फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही एहतियात से हमें वड़े फ्राई करने हैं। तो इस तरीके से हम अपने एक एक वड़े को डालेंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। तो उलट पलट कर हमें अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम में नहीं हमें बड़े पकाने अपने, क्योंकि बेसन है बहुत जल्द इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये बड़े भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे
इतने ही गोल्डन हमें रखने हैं, इससे ज़्यादा इन्हें हम फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए, बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है और हमारे वड़ा अब बनकर तैयार है। सारे वड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी हरी मिर्च हम फ्राई करेंगे। तो मिर्च फ्राई करने के लिए जाली में हम इस तरीके से मिर्च डालेंगे और इन्हें डुबो डुबो कर इस तरीके से हमें फ्राई करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मिर्च फ्राई करें तो पहले उसमें थोड़ा सा कट लगा दें ताकि आपकी मिर्च जो है चिटके ना। जब आप तेल में इन मिर्च को डालेंगी तो अगर आप कट नहीं लगाएंगी तो ये चटक कर बाहर भी आ सकती है। तो मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इन्हें एक साइड में कर देंगे। अब चलिए एक ले लेते हैं पाव और अपने हम वड़ा पाव को असेंबल करते हैं। तो पहले हम पाव में लगा देंगे चटनी हरे धनिया की और उसके बाद डालेंगे जो हमने आपको चटनी बताई है, ये वड़ा पाव स्पेशल चटनी है, इसे लगा देंगे और फिर इसमें रख देंगे हम वड़ा और फिर उसके बाद में फ्राई की हुई हरी मिर्च। अगर आपको बटर पसंद हो तो आप बटर पाव में लगा दें पहले से ही। उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो लीजिए, हमारा ये वड़ा पाव बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से इसे सर्व करें, ऊपर से थोड़ा सा हम लाल चटनी और छिड़क देंगे। तो लीजिए, तैयार है पूरी रेसिपी हमारी मुंबई वड़ा पाव की। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वड़ा पाव आप गर्मा गर्म जब बरसात हो तभी घर पर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जब भी आप गर्मा गर्म बरसात में वड़ा पाव खाएंगे, अंदर से देखिए हमारी फीलिंग कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और ऊपर से क्रिस्पी है। तो आपको हमारे वड़ा पाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।